नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएमसीजी सेक्टर के टॉप 10 स्टॉक के बारे में। दोस्तों एफएमसीजी सेक्टर के जो स्टॉक आपको बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये इवर ग्रीन सेक्टर होते हैं। अगर आप किसी भी गिरावट में इसमें इन्वेस्ट कर देते हो तो फिर समझिए आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें एकदम आसानी से इसे होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इस सेक्टर में जो है किसी भी पैंडेमिक का कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन कंपनी के बिजनेस का असर हमेशा पड़ता है शेयर पर। तो कंपनी का बिजनेस जो है एकदम बेहतरीन होना चाहिए, सेक्टर लीडर होना चाहिए और कंपनी हमेशा के लिए सेक्टर में लीड करता रहे, तभी आप लॉन्ग टर्म जैसे 10 इयर्स के लिए, 5 इयर्स, 20 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपका कंपाउंडिंग के साथ रिटर्न बनेगा। तो याद रखिए, वैसे ही शेयर पे आपको दाव खेलना है, वैसे ही शेयर पे अपना बेट लगाना है जो कि सेक्टर लीडर है और अगले 10 साल तक उसका जो बिजनेस है वो सेक्टर को लीड करता रहे। मतलब उसका कोई भी प्रोडक्ट ऐसा हो, मतलब 2-4 प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो सेक्टर में हमेशा के लिए बना रहे लीडर के रूप में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर में आप जानते हैं कई सारे प्रोडक्ट हैं, सर्फ एक्सल है, डव साबुन है, मतलब इसके फेयर एंड लवली है, कई सारे प्रोडक्ट हैं। अब तो ये हॉर्लिक्स को भी एक्वायर कर चुका है। ये सारे प्रोडक्ट जो है कई सालों से सेक्टर को लीड कर रहा है और आगे भी संभावना है कई सालों तक ये इसके प्रोडक्ट लीड करते रहेंगे। तो दोस्तों इसलिए आपको इस स्टॉक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। बाय कब करना है? गिरावट में, क्योंकि आप देख सकते हैं इस स्टॉक में गिरावट काफ़ी कम बार होती है। ये हमारे पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक है, हमने 1660 रुपये इसमें इन्वेस्ट किया है 2018 में, अभी तक मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है। और भी कोई भी एफएमसीजी स्टॉक मेरे पास नहीं है, क्योंकि पहले था मैंने उसे बेच दिया, जैसे आईटीसी था, आईटीसी को मैंने बेच दिया। तो उसी तरह और भी आप जो भी स्टॉक आता है उसको ऐड कर सकते हैं, इसमें से एक दो ही इस तरह ऐड कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा आपको रिटर्न इस सेक्टर में नहीं मिलने वाला है, लेकिन ये भर क्लीन है, आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करेगा, हो सकता है अच्छा रिटर्न भी, जैसे डाबर हो गया, डाबर काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, मैरिको भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो कुछ स्टॉक है जैसे आईटीसी भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, तो लेकिन फिर भी इसके मामले में जो अन्य सेक्टर के स्टॉक है जो कि सनराइज इंडस्ट्री से है, जैसे अभी टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये सारे स्टॉक ज़्यादा रिटर्न देते हैं, लेकिन ये इवरग्रीन सेक्टर है, किसी भी पैंडेमिक से, किसी भी मार्केट क्रैश से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप देखिए एक साल का पैटर्न दिखाते हैं, देखिए अप्रैल से पहले इस स्टॉक का प्राइस कितना था, 2255 रुपये, और क्रैश में ये कितना पे आया, यहाँ पर देख लीजिए, दो यहाँ पर क्रैश में ये मात्र 1800 रुपये तक आया, तो ज़्यादा गिरावट नहीं, मात्र 400 रुपीज़ का गिरावट हुआ। तो यही है इस सेक्टर की खासियत, इस सेक्टर में पैंडमिक से खास असर नहीं पड़ता है, जब भी गिरावट में मिलता है तो बस आंख बंद करके बाय कर लीजिए। जैसे ये 2100 रुपया में अगर स्टॉक कभी भी मिलता है तो फिर सोचने का नहीं, तुरंत बाय कर लीजिए। अभी जैसे इसमें करेक्शन स्टार्ट है, ये स्टॉक एक महीने से काफ़ी करेक्ट हुआ है, देख सकते हैं यहाँ से करेक्शन में देखें तो लगभग 6.55% का करेक्शन हो चुका है स्टॉक में। तो जब भी स्टॉक मिलता है करेक्शन पे बाय है, एकदम बाय है। अभी 2241 रुपये इसका करेंट प्राइस है, 2100 रुपया पे मिलता है, तो SIP स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादातर संभावना है कि नीचे के प्राइस पर आपको नहीं मिलने वाला है, तो जब भी गिरावट मिले एकदम बाय है, जब भी गिरावट मिले बाय करते रहिए। उसके बाद अगला है नेस्ले इंडिया। ये काफ़ी महंगा शेयर है, लेकिन दोस्तों ये भी शेयर आप अगर चाहे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको हम बात करेंगे वैसे ही स्टॉक ऐड करना है जो आपको लगता है आगे इसका जो प्रोडक्ट है वो लीड करता रहे, क्योंकि इस सेक्टर में भी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। नेस्ले का जो मैगी प्रोडक्ट है काफ़ी मतलब इंडस्ट्री में धूम मचा के रखा है, तो इस कारण से इस स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न भी देखने को मिलेगा। देख लीजिए लॉन्ग टर्म में रिटर्न 2010 से लेकर अभी तक में 551% का रिटर्न, तो कुछ खास रिटर्न नहीं है, क्योंकि और सब स्टॉक देखिएगा जो टेक्नोलॉजी सेक्टर के वो आपको 1-2 साल में भी इतना का रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन इसमें गिरावट की संभावना भी काफ़ी कम है, क्योंकि इस सेक्टर के जो एफएमसीजी सेक्टर है इसका स्टॉक आप काफ़ी इवरग्रीन होते हैं। साथ ही आप देखिए कहीं पे भी गिरावट आपको चार्ट पे नहीं देखने मिलेगा। उसी तरह हिंदुस्तान लेबर का मैक्सिमम ईयर का चार्ट देखेगा तो ये भी देख सकते हैं काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी लंबे समय तक ये स्टॉक कंसॉलिडेट भी हुआ था। तो उसी तरह सारे के सारे स्टॉक एफएमसीजी का आपको देखने मिलेंगे। करंट प्राइस जो है नेस्ले का 17,240 रुपया है, और ये भी स्टॉक कुछ करेक्ट हो रहा है यहाँ पर, और गिरावट में देख सकते हैं कि अगर हम पैंडमिक में गिरावट की बात करें तो काफ़ी अच्छे गिरावट पे ये स्टॉक मिल रहा था, लगभग 14,000 के आसपास, तो ये देखिए 13,000 से भी नीचे आया था, तो यहाँ एकदम बाय था। तो जब भी गिरावट मिले तो एफएमसीजी सेक्टर को वेट कीजिए, वेट करना पड़ेगा आपको, इंतजार करना पड़ेगा, तभी आपको नीचे के प्राइस पर मिलेगा। जब भी किसी भी स्टॉक में गिरावट आता है तो उस गिरावट में आप उसको बाय कर लीजिए। तो इसका भी 15,000 जो होगा वो बाय प्राइस होगा, वहाँ पे मिलता है, तो एकदम बाय करते जाइए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाइए। उसके बाद अगला जो हमारा स्टॉक है ब्रिटानिया इंडस्ट्री, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, करेंट प्राइस है 3,423 रुपीज़।
एफएमसीजी सेक्टर में अभी आपको कोई रैली देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका रैली पहले ही ओवर हो चुका। जब सारे स्टॉक गिर रहे थे तो इस सेक्टर में रैली था, क्योंकि जब सारे स्टॉक में गिरावट होती है तो इस सेक्टर के स्टॉक में गिरावट नहीं होती, तो वैसे में इस सेक्टर के स्टॉक का डिमांड बढ़ जाता है, इसी कारण से इसमें गिरावट नहीं होती। जब सारे स्टॉक में मतलब गिरावट हो रही होती है तब इसमें बाइंग आता है, क्योंकि उसमें प्राइस थोड़ा सा सस्ता होने के कारण हर लोग इस सेक्टर में बाइंग करना चाहते हैं। अगर इसके मैक्सिमम ईयर की रिटर्न की बात करें तो ये काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। देख लीजिए 99 से अभी तक में लगभग 6000% का रिटर्न दिया है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है और लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा बाई है। जब भी गिरावट मिलता है, अभी अच्छे खासे करेक्शन पर आपके स्टॉक मिल रहा है, क्योंकि ये 4000 का हुआ करता था, अभी मात्र 3400 पर मिल रहा है, तो आप चाहे तो इसमें बाइंग कर सकते हैं। अगर गिरावट की बात करें, पेंडेमिक में मात्र ये 2000 रुपीज के आसपास मिल रहा था, देख सकते हैं 2137 रुपये, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। और अपने पेंडेमिक की गिरावट से लगभग जो है दोगुने तक गया था, मतलब 4000 का प्राइस हिट करने के बाद वहां से लगातार करेक्ट हो गया। उसके बाद अगला जो हमारा स्टॉक है वो है डाबर। काफ़ी सॉलिड स्टॉक है, अभी करेंट प्राइस देखिए 533 रुपीज़ है। इसका लॉन्ग टर्म प्राइस देखिएगा तो काफ़ी सॉलिड रिटर्न दिया है, देखते हैं 99 से अभी तक में 7000% का रिटर्न दिया है, तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है। FMCG सेक्टर का स्टॉक वो है कि कोई भी अनजान आदमी भी आ जाए, गिरावट में मिल रहा है स्टॉक, बाय कर लीजिए, लॉन्ग टाइम में हमेशा प्रॉफिट देगा। तो ऐसे स्टॉक है होते हैं इस सेक्टर के। कोई भी स्टॉक जो है आपको नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नहीं मिलेगा लॉन्ग टर्म में, इस सेक्टर के सारे स्टॉक आपको पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ मिलेगा। तो जब भी गिरावट है बाई है, तो इसका जो 500 रुपीज होगा वो प्राइस बाइंग का होगा। और जो ब्रिटानिया इंडस्ट्री वो ये अभी भी बाय है, काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अगर आपको 2500 या 3000 के नीचे कहीं पे भी मिल जाता है तो आँख बंद करके बाय कर लीजिए। उसी तरह डाबर है, 500 के नीचे कभी भी मिलता है तो बाय कर लीजिए। तो ये सारे स्टॉक जो है इवर ग्रीन सेक्टर के स्टॉक, इवर ग्रीन स्टॉक। उसके बाद अगला है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, इसका करेंट प्राइस है 753 रुपीज़, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है और काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया इस स्टॉक ने भी लॉन्ग टर्म में। देख लीजिए लॉन्ग टर्म में इसका 2001 से लेकर के अभी तक का रिटर्न 18000% का। तो सारे स्टॉक में FMCG सेक्टर में ये स्टॉक जो है काफ़ी बेहतरीन रिटर्न, काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिया अभी तक ने, आपने जितने भी देखा सबसे ज़्यादा रिटर्न किस स्टॉक ने दिया है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ने। और ये भी स्टॉक जो है आपको जब भी 500 के आसपास मिलता है, 600 के आसपास मिलता है तो हमेशा बाई है, मतलब 600 के नीचे जहां जाए तो हर गिरावट पे SIP करते जाइए, हर गिरावट पे SIP, कभी भी एक ही बार बाय मत कीजिए, SIP करिए। SIP करने से होगा कि आपका अच्छे लेवल पे अच्छे एवरेज प्राइस पर बाय होगा, जैसे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा लॉन्ग टर्म में। और लॉन्ग टर्म में देखिए 20000% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। अगला हमारा स्टॉक है मैरिको, अभी करेंट प्राइस है 411 रुपीज़, और ये स्टॉक जो है पैंडेमिक में जब गिरावट हो रहा था सारे स्टॉक, तो उस समय 250 रुपये में मिल रहा था और वहाँ से देखते थे 400 रुपीज़ तक ये स्टॉक आ चुका है। तो ये भी स्टॉक जब भी 300 के आसपास आ जाए तो आँख बंद करके बाय कर लीजिए। ये जो प्राइस बता रहे हैं इस प्राइस पर जल्दी आपको ये स्टॉक सब मिलेंगे नहीं, FMCG सेक्टर के स्टॉक में काफ़ी कम गिरावट होती है, बाय चांस कभी गिरावट आती है, तो ये प्राइस जो बता रहे हैं इस प्राइस पे आप आँख बंद करके इन्वेस्ट कर दीजिए। लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स 10 ईयर्स के लिए भूल जाइए, आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो उसको कई टाइम्स कर देगा, उसको काफ़ी मल्टीप्लाई कर देगा। तो इन सारे स्टॉक में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करके इन सारे स्टॉक में आप आँख बंद करके इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का आपका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए मैक्सिमम ईयर में रिटर्न, इसका मैक्सिमम ईयर में रिटर्न देखिए कितना बेहतरीन है, 14000% का रिटर्न, तो मैक्सिमम में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। तो ऐसे जब स्टॉक आपको इवरग्रीन सेक्टर के स्टॉक इतने मतलब ज़्यादा रिटर्न दे रहे, तो फिर जैसे तैसे स्टॉक में आपको फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला स्टॉक है हमारा कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया लिमिटेड। कोलगेट जो है एक MNC कंपनी है, तो कोलगेट इंडिया लिमिटेड में आपको देखना है, मतलब जब आप सर्च करेंगे तो इंडिया लगाना जरूरी है, तभी आपको ये स्टॉक्स आपको मिलेगा। इसका करेंट प्राइस है 1588 रुपये है, और ये भी स्टॉक काफ़ी गिरावट में मिल रहा था पैंडमिक, मात्र 1100 के आसपास मिल रहा था, उससे भी नीचे ये स्टॉक आया था। वहाँ पर चाहते तो आप इसमें बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो स्टॉक है देख सकते हैं चार्ट कितना सॉलिड है, कभी भी आपको ज़्यादा गिरावट नहीं देखने मिलेगा। बस पैंडमिक में ही थोड़ा सा गिरावट आया था, उसके बाद फिर से ये स्टॉक अपना प्राइस रिकवर कर चुका है। लॉन्ग टर्म देखिए 1500% का रिटर्न। तो ये सारे स्टॉक है जो जिसमें आप बिना म्यूचुअल फंड बाय किए, म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्ट करके इस सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्ट कर दीजिए, ये म्यूचुअल फंड से काफ़ी बेहतरीन रिटर्न भी देगा और म्यूचुअल फंड के जैसा ही आपका इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगा।
तो जैसे गिरावट मिलता है, म्यूचुअल फंड बाय करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, किस स्टॉक को बाय करें, तो म्यूचुअल फंड ना बाय करके आप इन सारे स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक आपको 1500 के नीचे कभी भी आता है तो जरूर बाय कर लीजिए। इसका ज्यादा नीचे टारगेट आपको नहीं मिलेगा। अगर मार्केट में ही करेक्शन आता है तब ये 1200-1300 आपको मिल जाएगा, नहीं तो ये 1500 के नीचे हमेशा बाय है। जब भी आता है तो आप बाय कर लीजिए, एसआईपी मोड में इन्वेस्ट करते जाइए। अगला स्टॉक हमारा प्रोटेक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड। ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, करेंट प्राइस है 13,400। और दोस्तों ये भी स्टॉक काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी बेहतरीन है। अगर मैक्सिमम देखिएगा चार्ट तो काफ़ी सॉलिड रिटर्न दिया है। देखिए 2004 से लेकर अभी तक में 3,200% का रिटर्न, तो काफ़ी सॉलिड स्टॉक है, काफ़ी सॉलिड रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में। तो ये स्टॉक भी जब भी आपको गिरावट मिले तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ये स्टॉक में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप एक वन ईयर का चार्ट देखिएगा, देख सकते हैं ऊपर नीचे, तो ये थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। तो इसमें आपको गिरावट मिले 10,000 के नीचे तो आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा वोलेटाइल है, काफ़ी ऊपर नीचे होता है ये स्टॉक। जैसे एफएमसीजी सेक्टर का और सारे स्टॉक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब सॉलिड पैटर्न है। इसमें थोड़ा देख लीजिए वोलेटिलिटी ज़्यादा है, 10,000 से ये देखिए गिरावट में लगभग ये 9,000 हो गया, उसी तरह से फिर से ऊपर जाता है, फिर से स्टॉक में गिरावट होती है, फिर से ऊपर जाता है, फिर से गिरावट। और पेंडेमिक में ये स्टॉक मात्र जो है आपको मिल रहा था 9,000 पर। पैंडेमिक में जो गिरावट आया था उसमें मात्र 9,000 रुपीज़ में ये स्टॉक आपको मिल रहा था, उस समय आप आराम से इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे। तो ये भी स्टॉक अच्छा है, लेकिन अभी आप ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, अभी थोड़ा अवॉइड कीजिए, गिरावट होने दीजिए। कभी भी गिरावट मिलता है तो इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो दूसरे सारे स्टॉक है उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अगला स्टॉक है हमारा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। दोस्तों बता दें कि टाटा ग्रुप की जो भी कंपनी है, आप उसमें भी जैसे एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक में आप आंख बंद करके गिरावट में इन्वेस्ट कर दें तो आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा सिक्योर रहेगा। उसी तरह टाटा ग्रुप की कोई भी कंपनी है जो अच्छी कंपनी है, जैसे टाटा टीसीएस हो गया, टाटा कंज्यूमर हो गया, टाटा पावर हो गया, टाटा स्टील हो गया, टाटा गैलेक्सी हो गया, टाइटन हो गया, तो सारे के सारे ये सब जो स्टॉक है इसमें गिरावट में कभी भी इन्वेस्ट करिए, आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। ये सब हिडन सेक्रेट है स्टॉक मार्केट का, कि आप टाटा ग्रुप के जो भी स्टॉक है गिरावट में बाय कर दीजिए, आपका ओवरऑल जो रिटर्न होगा लॉन्ग टर्म में वो हमेशा पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा। अगर देखिए लॉन्ग टर्म में रिटर्न की बात करें इस स्टॉक का, तो ये देखिए कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है, 2,600% का रिटर्न, तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है। 2002 से लेकर 2021 तक में इतना बेहतरीन रिटर्न दिया इस स्टॉक ने। अभी करेंट प्राइस है 607 रुपीज़, और ये स्टॉक यहाँ देख सकते हैं कि 2019 से लेकर के अभी तक में बहुत ज़्यादा मूव किया है। 2019 में इसका प्राइस था 186 रुपीज़, और वहाँ से आ चुका है देख सकते हैं 600 रुपीज़ पर। तो वहाँ से लेकर के 2019 से लेकर अभी तक में दिया है 226% का रिटर्न, जो कि काफ़ी सॉलिड रिटर्न है। ये स्टॉक काफ़ी मतलब करेक्ट हुआ था, 300 रुपये से गिर करके ये 200 से नीचे जा चुका था और वहाँ से फिर ऊपर मूव किया। तो ये भी स्टॉक काफ़ी मतलब इधर मूव किया है, और आप चाहें तो इसमें गिरावट का इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि अपनी अभी स्टॉक काफ़ी ऑल टाइम हाई पे है, तो कभी भी करेक्शन दिखा सकता है, कभी भी एक गिरावट आ सकती है इस स्टॉक में। तो थोड़ा वेट कर लीजिए, फिर इंतजार कीजिएगा, तभी आप नीचे के प्राइस पर इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि इन्वेस्टर जो होते हैं काफ़ी लंबे समय तक वेट करता है, प्राइस नीचे आता है तब फिर उसमें इन्वेस्ट करता है। अगला जो स्टॉक है हमारा ITC लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। ITC में अगर हम प्राइस देखें अभी 217 रुपया है। ये स्टॉक कछुए की चाल से भी धीमे चलने वाला स्टॉक है, क्योंकि आप देख लीजिए कई सालों से ये देख सकते हैं लगातार गिरावट हो रही है, और काफ़ी नीचे के प्राइस पर ये मिल रहा है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें पैनिक भी है, क्योंकि हायर लेवल पर जो फंसे हैं। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक में अगर आप हायर लेवल पर फंसे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, ये कभी ना कभी आपको बाहर कर देगा, मतलब कभी ना कभी आपको जो रिकवरी है वो दिखाएगा ये स्टॉक। जब रिकवरी दिखाएगा तो वो रिकवरी काफ़ी फास्ट होगा। अगर ये 240 रुपये के ऊपर जाता है तो फिर वहाँ से 300 जाने में इस स्टॉक को कोई टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए याद रखिएगा, ये सारे स्टॉक जो है काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी बेहतरीन है। जब ये मोमेंटम करेगा तो फिर वक्त नहीं लगेगा, प्राइस को गेन करने में कोई वक्त नहीं लगाएगा, बहुत जल्द अपने प्राइस को ये रिकवर कर लेगा। तो दोस्तों ये सारे जो बेहतरीन स्टॉक थे जिसमें आपको जब भी गिरावट में मिले तो जरूर इन्वेस्ट करनी चाहिए, ये इवरग्रीन सेक्टर के इवरग्रीन स्टॉक है। इस सेक्टर के स्टॉक में गिरावट में आप जब भी चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में आपको बाय करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा
मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता। कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।